बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सटीक मैसेज है, सक्सेसफुल एक्शन। आपका एक्शन बहुत ज़्यादा ग्रेट रहेगा, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्शन ले रहे हो अपने टारगेट के प्रति। माइंड बॉडी के अंदर आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली हार्मनी के साथ आप सिचुएशन को आगे बढ़ा रहे हो। आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से अपने डायरेक्शंस को प्लान कर रहे हो एंड आपका एक्शन जो भी है मोटिवेटेड है फॉर द राइट डीपर सेंटर ऑफ एक्शन के लिए। आप अपने इनर सेल्फ को ये बता रहे हो कि अभी मैं एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हूँ, सक्सेसफुल एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ एंड अभी आप कुछ भी एक्सपीरियंस को लेट गो करेंगे एंड ओपन अप कर रहे हैं न्यू एनर्जी रिलेशनशिप और ग्लो को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए, नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राइट नाउ आप रेडी हैं। वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और लाइक कंपनी के अंदर काम करना, आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यू आर प्रीटी मच रेडी टू रिटर्न एनर्जीज एंड अनहैप्पी सिचुएशन को इवॉल्व होने दे रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो किसी तरीके का कंट्रोल। मैं डायरेक्ट साइकिक मैसेज में चल गई थी, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे जो भी रीडिंग्स हो रही है फर्स्ट साइकिक मैसेज के बारे में बात करते हैं, फिर हम टैरो के पास जाके देखते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहा है आज के लिए। जो भी पहले हम साइकिक मैसेज बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जो पहली बार देख रहे हो। सो लेट मी कंटिन्यू द साइकिक मैसेजेस बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बोलना है इस वीडियो के लिए, सो प्लीज़ गेट रेडी। ओके, राइट नाउ आप अपने लाइफ में अनहैप्पीनेस और टेंशन को बदल के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करके एंड बहुत सारी चीज़ जो आपको कंट्रोल कर रहा है आप उस चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हो। आप चाहते हो आपके ज़िंदगी का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाए एंड अलाउ करो न्यू अपीयर पॉजिटिव चीज़ों को अपीयर होने के लिए, आने देने के लिए। आप बहुत सारे बिलीव सिस्टम को शेड कर रहे हैं जो आपके हायर सेल्फ को अपील नहीं करता एंड लेट गो ऑफ पहले से ही जो आपने सोच के रखा है, इस तरीके के सोच जिसको प्री कंसीव नोशन कहते हैं, जो पहले से ही जो चीज़ों को सोच रखा है उस चीज़ को लेट गो करना एंड एक्सपीरियंस करना कि आपके ज़िंदगी में जो अट्रैक्शन है वो आपके बेस्ट चीज़ के लिए है एंड आप अपनी ज़िंदगी में आप नेक्स्ट जो करना चाह रहे हो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड एक और बात आपको ये बोला जा रहा है, राइट नाउ आपको रिवॉर्ड्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स, यानी कि आप जो भी बोल रहे हो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, जो भी आप बोल रहे हो उसको थोड़ा सोच समझ के बोलो। जो भी आप राइट नाउ बोल रहे हो क्या वो आप सुनने से कैसा है, क्या आप अपने आप को क्या बोल रहे हो ज़रा उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए स्वीट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो क्या। बहुत ज़रूरी है कि राइट नाउ आप अपने लिए स्वीट वर्ड्स यूज़ करो, ना कि नकारात्मक शब्द कहते हुए अपने आप को एड्रेस करो। आप अपने लिए क्या मैसेजेस आप रिपीट कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि राइट नाउ आपको रिमाइंड किया जा रहा है गुड बैड टॉक जो जिस तरीके से आप अपने आप से साथ कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट ग्लो अप जो आ रहा है उस ग्लो अप को देख के आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। राइट नाउ एक और बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप ट्रूली क्या चीज़ को बिलीव करते हो, आप किस तरीके के वर्ड्स एंड नॉइज को आप अलाउ कर रहे हो एंड यूनिवर्स आपसे किस तरीके से लाइक कम्युनिकेट कर रहा है, इस चीज़ के साथ भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड प्लीज़ चूज वर्ड्स राइट नाउ जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, आप उस तरीके के वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए, उस तरीके के वर्ड्स को आप कहना चाहिए। एक्सप्रेस यूर सेल्फ राइट नाउ, स्लो डाउन करो जो जिस तरीके की वॉइस आप करना चाह रहे हो, लिसन टू द वॉइस एंड स्पीक कि राइट नाउ आपके लिए क्या इम्पैक्ट है, राइट नाउ आप उस चीज़ को आप बात कीजिए। राइट नाउ किसी तरीके का रहने में सिचुएशंस है या राइट नाउ आप किस तरीके के चेंज के तरफ देख रहे हो या किस तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट नाउ किस तरीके के मैसेज आप रिसीव कर रहे हो, क्या वो मैसेजेस आपको अपलिफ्ट कर रहा है। पॉइंट वन टू बी नोटेड, जो भी मैसेजेस राइट नाउ आप रिसीव कर रहे हो दोज आर प्रीटी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर दैट कैन बी
फ्रॉम साइकिक मैसेज या आपके ब्रेन में थॉट पॉप अप होना है एनीथिंग, दोज आर प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, तो उस पर ध्यान दो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ साइकिक मैसेज। हम कार्ड्स के पास अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आपको इम्पॉर्टेंट सूचना बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाएँ, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड pujakataria.com दिस इज द वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, वो सेक्शन के साथ आपको साइकिक मैसेजेस भी मिलेगा, सो डेफिनेटली यू विल फील कंप्लीट पैसा वसूल, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उससे आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाओगे। ओके, दैट इज समथिंग। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। अब ऑब्वियसली जिस तरीके से कार्ड्स राइट नाउ टॉक कर रहे हैं, मेरा हार्ट जिस तरीके से गया, सम ऑफ द थिंग्स अब बहुत ज़्यादा टाइट पकड़े हुए हैं और उसको आप जाने नहीं दे रहे हो, या टोटली थ्री ऑफ सीज, लाइक बहुत सारी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, उस चीज़ों को आप जाने नहीं दे रहे, एम्परर एनर्जी, सो आप उसको जाने नहीं दे रहे चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइटली उसको पकड़े हुए हो, एंड सम ऑफ द थिंग्स को आप चेंज नहीं होने दे रहा, एंड गॉड इज सेइंग देयर आर चेंज, चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर देन दैट ज़बरदस्ती आपसे ये चेंज करवाया जाएगा। And please, sweet talk is pretty much important. You cannot say to yourself, अरे देखो मैं कैसा हूँ, जबकि आपका reality is pretty much different. Sweet talk खुद से करना बहुत ज़्यादा important है, that will change your life. Justice. So sweet talk खुद से करना बहुत बहुत important है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Right now the situation is that कि आप अपने power में हो, आप अपने situation में हो जो कि आपके हित में है, जो कि आपके uplift में है। तो बहुत सारी चीज़ें जब भगवान इस सेइंग की चीज़ों को हम बदल रहे हैं, सो लेट्स गो विद द फ्लो। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, उस बात को आप नकारात्मक नहीं, स्वीट टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे जगह पे, जैसे कि पहले साइकिक मैसेज में है कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको क्या बताया जा रहा है राइट नाउ, जिस तरीके के आइडियाज़ दिए जा रहे हैं आपको कि आप पहले ही इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली टेक दैट राउट कि जिस तरीके से आप अपने सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को अपना वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, सिचुएशन वॉज लाइक वे बैक वेन में, ये सिचुएशन होने से पहले, आज का जो मैसेज आपको मिलने से पहले, आज जिस तरीके से आपके दिमाग में जो भी थॉट आया, एंड यू ट्राई टू, आप आज सोचे कि ये मैं बहुत सारा चीज़ें चेंज करूँगा, करूँगा या करूँगी, इससे पहले जब आप थे सिचुएशन में, आप अपने हमेशा अपने आप को डिफेंड करते थे, देर वेर लॉट ऑफ पीपल कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड यू, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप सिचुएशन नहीं देखते, बट द फैक्ट इज़ आप अपने एम्परर एनर्जी में होने के बावजूद भी दे हैव अदॉसिटी कि वो आपके बारे में इस तरीके से सोचें। बट राइट नाउ द गॉड इज सेइंग देर विल बी जस्टिस, कि ये लोग जैसे भी सोच रहे हैं इनकी बातें फलीपूर्वत नहीं होगी, एंड आपकी बातें फलीपूर्वत होगी। एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पे प्रीटी मच क्लियरली ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपको जिस तरीके के थॉट प्रोसेस बताए जा रहे हैं, जो इंट्यूटिव मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको, जो दिए जा रहे हैं आप उसको लो एंड अपने लाइफ को बदलो। एंड ये रीडिंग देखने के बाद में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको नेक्स्ट, आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है। एंड द साइकिक मैसेज प्लस दिस टैरो रीडिंग दोनों मिलके यही बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो भी आप करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जस्टिस में रहेगा। सो दैट इज़ वॉट क्लियरली दिस मैसेज इज अ सेइंग। आई हैव टू गो नाउ क्योंकि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे जाना होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग pujakataria.com दिस इज द वेबसाइट जहाँ से ही आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई और जगह से आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मी, दोस्त पीपल आर स्कैमर्स। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको यहीं से मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना होगा, दैट इज़ pujakataria.com। एंड आपको जो भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं वो प्लस साइकिक मैसेज दोनों आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपने लाइफ को आराम से अपग्रेड कर पाओगे। ओके, दैट इज समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई हैव टू गो नाउ, फोन भी आ गया, आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।